वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमारे यहाँ पे अभी 20 कोरोना वायरस COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिटेड हैं और लगातार डॉक्टर की देखरेख में है, निगरानी में है और उनका इलाज जारी है। तो ये पेशेंट्स हम लोग यूजुअली तब तक रखते हैं जब तक इनके जब दो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, तब इन ऐसे पेशेंट्स का डिस्चार्ज होता है। तो अभी वो क्योंकि उनकी जाँच जारी है, इलाज जारी है, तो पेशेंट्स अभी वार्ड में हैं। इनके साथ ऐसे दो बच्चे भी हैं जो इन पेशेंट्स के साथ आए थे, क्योंकि उसमें से जो दो बेबीज़ हैं, एक बच्ची की उम्र है 22 महीने और दूसरे बच्चे की उम्र है 3 महीने। तो इनकी मदर जो कटघरा से है, कोरबा से, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आई थी, तो इनकी देखरेख अलग से हमारे हॉस्पिटल में हो रही थी। शुरुआत में इनकी नानी भी आई थी वहाँ से उनका देखरेख करने के लिए, लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि नानी जी जो है उनका भी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो तब से ये दोनों बच्चे हमारे यहीं पे हैं, अलग उनको रखा गया है। जो 22 महीने की बच्ची है उसके फादर देखरेख कर रहे हैं और जो 3 महीने का जो बच्चा है उसकी देखरेख हमारी नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। तो उनको अलग रखा गया बच्चे को और नॉर्मली उसका फीडिंग वगैरह जो भी करना है प्रॉपर केयर ले रहे हैं और प्रॉपर जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनना है वो सब पहन के इन सब दोनों बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है।